तो वहीं निकाय चुनाव के समापन के बाद से सभी राजनीतिक दल अब मिशन 2024 को लेकर तैयारियों में जुट चुके हैं। इसी सिलसिले में बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज प्रदेश कार्यालय पर पार्टी की एक समीक्षा बैठक भी बुलाई। बता दें कि बसपा के निकाय चुनाव के प्रदर्शन को देखते हुए ये समीक्षा बैठक काफी अहम थी, जिसमें बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र, विधायक उमाशंकर सिंह के अलावा 18 मंडलों के अध्यक्ष, 75 जिलों के जिला अध्यक्ष और नेशनल कोऑर्डिनेटर भी मौजूद रहे। इसमें हम बेहतर परफॉर्म किए हैं, अगर पूरा देखा जाए। इसमें जब दो पार्टियां जब एक साथ मिलकर लड़ेगी तो निश्चित रूप से अब देखिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से भाजपा के साथ मिलकर लड़ी। अब सहारनपुर में अखिलेश जी दो दो बार गए और वहां पे उनके पार्टी को मिल रहा है 20,000 और हमारी पार्टी को 2,00,000 मिल रहा है, जिसका मतलब कि इन्होंने पूरा अपना वोट डाइवर्ट कराया। देखिए जहाँ हम लोग हारे हैं, हमने हार का बता तो दिया कि जिस तरीके से सहारनपुर का उदाहरण आपके पास है, आगरा का उदाहरण आपके पास है, मुरादाबाद का उदाहरण आपके पास है, जहां भाजपा ने बिल्कुल हारी हुई स्थिति के अंदर अपने आप की जीत दर्ज कराई है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनके ऊपर बहन जी ने कहा कि लेकिन इनसे घबराना नहीं। लोगों को बुलाया है, कुछ लोगों को अलग अलग बुलाया है। देखिए बहन जी जो निर्देशों के बहन जी की, असल में पार्टी बिल्कुल कैडर वाली पार्टी है, यहाँ कैडर की तरह काम होता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज एक समीक्षा बैठक अपने कार्यालय पे की और निकाय चुनाव के बाद से ये समीक्षा बैठक काफ़ी अहम मानी गई। इस समीक्षा बैठक में कुल 18 मंडल के पदाधिकारी मौजूद थे, 75 जिलों के जिलाध्यक्ष मौजूद थे और नेशनल कोऑर्डिनेटर भी इसमें मौजूद थे। बसपा सुप्रीमो की अध्यक्षता में हुई इस समीक्षा बैठक में बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा और बसपा के एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह के अलावा 18 मंडल के पदाधिकारी, 75 जिलों के जिलाध्यक्ष और नेशनल कोऑर्डिनेटर इस समीक्षा बैठक में शामिल हुए। इस समीक्षा बैठक में बसपा सुप्रीमो मायावती ने साफ तौर पर कहा कि निकाय चुनाव में जिस प्रकार से जनता ने उनका समर्थन किया है, इसके लिए वो तहे दिल से जनता का शुक्रिया अदा करती है। इस समय हम कार्यालय के बाहर हैं, आप देख सकते हैं कि तमाम जो छोटे बड़े पदाधिकारी हैं वो धीरे धीरे अब बाहर निकलना शुरू हो चुके हैं, बैठक अब खत्म हो चुकी है। इस बैठक में काफ़ी कुछ जो है वो बसपा के लिए तैयार किया गया है ताकि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बसपा के लिए माहौल बन सके। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि दिखाएं किस प्रकार से बैठक अब समाप्त हो चुकी है और बसपा सुप्रीमो ने लगातार ये बैठक करके इसमें साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी ने इस चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से जनता त्रस्त है। लोकसभा चुनाव के लिए भी बसपा सुप्रीमो ने काफ़ी कुछ निर्देश दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर बसपा जो है इस बार पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि दिल्ली का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। कुल 80 लोकसभा सीटें हैं और जिस प्रकार से बसपा ने आज बैठक की है, तमाम जो रणनीति तैयार की गई है, कहीं ना कहीं बसपा को अपनी जमीनी जो राजनीतिक जमीन है उसको जो है वो तलाशने के लिए बसपा ने काफ़ी सारे विकल्प अब खोल दिए हैं। जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी लगातार चुनावों में बुरा परफॉर्म कर रही थी, उसके बाद से मायावती की यह बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है और 10 महीने का समय लोकसभा चुनाव के लिए शेष है। मिशन 2024 को देखते हुए बसपा सुप्रीमो ने अपने पदाधिकारियों को तमाम जरूरी दिशा निर्देश दे दिए हैं और लगातार ये जो समय बचा हुआ है लोकसभा चुनाव के लिए वो पदाधिकारी जो है इसमें बसपा के लिए तमाम सारी चीज़ें रणनीति बनाते नजर आएंगे। तमाम पदाधिकारी अभी निकल रहे हैं, हम आपको दिखा सकते हैं ये लोग इस बैठक में शामिल हुए। बसपा सुप्रीमो ने जरूरी दिशा निर्देश दिया और उन दिशा निर्देशों पर कार्य करने का वक्त जो है वो आ चुका है। लखनऊ से विवेक शाही, कैमरा पर्सन नीरज के साथ प्राइम टीवी।